आज 8 नवंबर है और आज के दिन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी। जी हाँ, 8 नवंबर को देखते हुए नोटबंदी की जो यादें हैं वो फिर से ताजा हो गई हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से आकर रात को 8 बजे ये कहा था कि अब से जो 500 और 1000 के पुराने नोट हैं वो काम नहीं करेंगे, वो बिल्कुल बंद किए जा चुके हैं। आखिर नोटबंदी की वजह क्या थी और नोटबंदी क्यों की गई और नोटबंदी का असर इन पूरे 3 सालों में पूरे देश को क्या देखना पड़ा था, इसके बारे में आपसे बात करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं R9 TV और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। अब अगर बात करें नोटबंदी के बारे में तो नोटबंदी एक ऐसा शब्द है जिससे पूरा देश जूझा था। जी हाँ, चाहे वो छोटे तबके का हो या बड़े तबके का हो, सब लोगों ने नोटबंदी का जो असर है वो झेला था और उसकी मार भी कहीं ना कहीं सभी को झेलने को मिली थी। अब अगर बात करें नोटबंदी को लेकर तो नोटबंदी क्यों की गई, सबसे बड़ा जो सवाल था वो यही था कि आखिर नोटबंदी की वजह क्या थी। तो नोटबंदी की वजह केवल यह था भ्रष्टाचार को खत्म करना और जो आतंकवाद है उसको कम करना और जो पूरे देश में असली करेंसी के बीच जो नकली करेंसी का सर्कुलेशन है उसको रोकना। केवल यही वजहें थी कि नोटबंदी को लाया जाएगा और नरेंद्र मोदी सरकार ने यह फैसला उठाया कि हम अब नोटबंदी करेंगे। तो नोटबंदी के बाद जो आतंकवादियों के पास नकली नोट है या यूं कहें कि उनके पास जो भारतीय करेंसी पहुंची हुई है वो बिल्कुल तरीके से वो नस्ता नाबूद हो गई थी। वो अगर भारत में है तो उनके लिए वो करेंसी किसी यूज की नहीं थी। इस तरीके से आतंकवाद पे लगाम लगती, ये सरकार का मानना था। और दूसरी तरफ जो भी नकली नोट बाजार में चल रहे हैं वो जब बैंक में पहुंचेंगे तो उनका पता चल जाएगा तो वो भी निरस्त हो जाएंगे, तो नकली नोट जो है बाजार में वो भी खत्म हो जाएंगे। और दूसरा भ्रष्टाचार, यानी कि जिसके पास भी काला धन जमा कर रखा है उसने कैश में, उसका वो पूरा काला धन बिल्कुल नष्ट नाबूद हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा वो पैसे, क्योंकि जब नोट बंद हो जाएंगे और नए नोट आएंगे मार्केट में तो पुराने नोट किसी काम के नहीं रहेंगे। अब ऐसे में बात करते हैं क्या सरकार इन सभी चीजों में सफल हो पाई। तो आपको एक बात बता दें कि नोटबंदी एक ऐसा सच है जिसको लेकर सरकार भी आज तक प्रॉपर तरीके से कह नहीं पाई कि जो उनकी नोटबंदी है बिल्कुल सही तरीके से सफल रही। जी हाँ, क्योंकि अगर नोटबंदी को लेकर आंकड़ों के बारे में बात करें तो 2016 से पहले 2015 में जो भारत की विकास दर थी वो थी 7.8। जी हाँ, ये इसकी विकास दर थी जो कि इस समय लुढ़कते लुढ़कते आ चुकी है 5% पर। तो इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नोटबंदी का असर है वो कितना ज्यादा देखने को मिला है। वहीं नोटबंदी का असर काफी ऐसे ये कहें कि जगहों पे देखने को मिला है, जो उद्योग जगत था उसको भी नोटबंदी का जो नुकसान है वो देखने को मिला। और नोटबंदी की जो कड़वी यादें वो यही है कि नोटबंदी के नकारात्मक पहलू बहुत सारे सामने आए थे। प्रधानमंत्री समेत सत्ता दल के बड़े नेता भी इस बात से बात करने को बस्तर है क्योंकि नोटबंदी के फैसले ने पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल मचा दिया था और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पैसे को लेकर आखिर जाए कहां। और बैंकों के बाहर इतनी लंबी लाइनें लग गई थी कि लोग परेशान थे, जिसके पास कम पैसे भी थे वो भी अपने पैसे जमा नहीं कर पाया। ऐसे में तभी जो ये कहें कि जो पूरे पैसे थे वो बैंक के पास नहीं पहुंचे थे, बैंक के पास जो पूरी करेंसी थी रिकॉर्ड के हिसाब से, भारतीय रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से, उसके हिसाब से 99.30% पैसे ही पहुंचे थे। अब ऐसे में अगर और आगे बात करें तो नोटबंदी सही कदम है या गलत कदम है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल R9 TV को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।